सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद पूरे देश में दारू पर दंगल हो रहा है, लेकिन मध्य प्रदेश के विदिशा के तोपपुरा इलाके में ये तस्वीरें आपको हैरान कर देगी। तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि पुलिस की वर्दी में आबकारी विभाग के सिपाही ऑटो में खुलेआम शराब बेच रहे हैं। आपको बता दें कि कुछ दिन पहले ही सुप्रीम कोर्ट ने हाईवे पर शराब की दुकानों को बंद करने का आदेश सुना दिया है। इसके बाद अब शराब की दुकानों के ये हाल हो गए हैं कि सरकारों को ऑटो पर बैनर लगाकर शराब बेचनी पड़ रही है। यह नजारा मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह के गृह जिले विदिशा का है, जहां आबकारी विभाग के पुलिस वाले ऑटो में शराब बेच रहे हैं। एक नहीं, दो नहीं, जिले में ऐसे आपको सैकड़ों ऑटो मिल जाएंगे जो जगह जगह शराब बेच रहे हैं। अब इस पर राजस्व अधिकारी का क्या तर्क है, ये भी सुन लीजिए। शहरी क्षेत्र या स्टेट हाईवे, नेशनल हाईवे से इसको बाहर ले जाके स्थापित की जाए, तो उसी तारतम्य वो दुकानें स्थापित की गई हैं। 500 मीटर दूरी पर विक्रय किया जा रहा है। ये हमारे यहाँ सब इंस्पेक्टर लगे हुए हैं, तो सब इंस्पेक्टर को प्रभारी बनाया, उसके सहायक के रूप में आरक्षकगण लगे हुए हैं और वो विक्रय कर रहा है शराब का। क्या हुआ, दो दिन के लिए कोई भी दुकान वहां देने को तैयार नहीं था जगह, है ना। एक वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पे, कि शासन को नुकसान ना हो, एक वैकल्पिक व्यवस्था के अधीन कार्य किया गया है। देश में शराबबंदी करने की वकालत करने वाले नेताओं की नीयत को बेपर्दा कर रही है ये तस्वीरें बता रही है कि कैसे राजस्व पाने के लिए सरकारें किसी भी हद तक जा सकती है। शराब तो हम पिलाएंगे, फिर चाहे उसके लिए कुछ भी करना पड़े, पुलिस लगानी पड़े या खुद सरकार को बेचना पड़े। अब ये भी सुन लीजिए कि ऐसे ऑटो में शराब बेचना गैरकानूनी है। नियम ये कहता है कि शराब दुकान आवंटित होने के बाद उस जगह को नोटिफाई किया जाता है जहां शराब बेची जानी है। तय जगह के अलावा दूसरी किसी भी जगह गाड़ी में रखकर शराब नहीं बेची जा सकती। वायरल कीड़ा न्यूज़।